वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका फिर से हमारे एक और नए वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोगों को अच्छी तरह से पता है कि चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, अगर उसकी सुंदरता होती है तो उसके बालों से ही होती है। लेकिन जैसा कि आप सभी को अच्छी तरह से पता ही या होना भी चाहिए कि जो फीमेल होते हैं वो अपने बालों को कर्ली हेयर कराने के लिए ना जाने कहाँ कहाँ के ब्यूटी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके अपने बालों को कर्ली हेयर मतलब घुंघरालू बाल बनाने की हमेशा कोशिश में रहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है जितने कर्ली हेयर लेडीज़ों के ऊपर अच्छे लगते हैं उतने ही कर्ली हेयर अपने जो फीमेल होते हैं उनके ऊपर उतने ही भद्दे साबित होते हैं और उनके सुंदरता में बहुत ज्यादा फर्क देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक पूरी जानकारी देने वाला हूं कि कैसे आप अपने घुंघरालू बालों से मुक्ति पाके एक सुंदर चमकदार और लंबे बालों को पा सकते हो, सीधे बालों को पा सकते हो। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, मेरा आपसे दावा है दोस्तों। अगर आपने वीडियो में देख लिया शुरू से एंड तक, जरूर ध्यान से समझ लिया, तो आप अपने घुंघरालू बालों से मुक्ति पा सकते हो। मात्र बस एक महीने के अंदर अंदर प्रॉपर आपको चमकदार और सीधे बाल आपके हो ही जाएंगे। तो दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो के एंड तक क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज्यादा दिलचस्प होने वाला आपके लिए अपने घुंघरालू बालों को सीधा करने के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे दोस्तों इतनी ही रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो, हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हो, तो दोस्तों अपने इस भाई की फैमिली का हिस्सा जरूर बने। चैनल का जो रेड कलर का बटन है उसे प्रेस करके सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि दोस्तों आपका सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता, ये बिल्कुल भी रिसुल होता है। आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बगल में जो घंटे का आइकन है उसे भी ऑल के नोटिफिकेशन दबा के हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। चलिए वीडियो को आगे की तरफ ले जाते हैं। अब मैं आपको दोस्तों सबसे पहले तो जान लेते हैं कि आपके कर्ली हेयर किन किन कारणों के वजह से हो जाते हैं। मात्र दो कारण है जिसके वजह से आपके जो घुंघरालू बाल है, मैं बात कर रहा हूँ लड़कों की, क्योंकि अगर जो लड़कियां वीडियो को देखें तो दोस्तों मेरी बहनें और जो भी हैं अपने साइड हो जाएगी कि ये जो बाल होते हैं घुंघरालू बालों को सीधा करने के लिए लड़कों के लिए वीडियो बना गया प्रॉपर तरीके से। अगर लड़कियां भी अपने बालों को सीधा करना चाहती है तो ये वीडियो उनके लिए भी है। तो अब हम जानते हैं कि आपके बाल घुंघरालू किन कारणों के वजह से होता है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे बालों में केराटिन नाम का जो प्रोटीन होता है वो हमारे बालों को सीधा चमकदार और सुंदर बनाने के लिए सहायक रूप होता है। लेकिन केराटिन के साथ में एक प्रोटीन और होता है जिसे आप सल्फर प्रोटीन के नाम से भी जानते हो। इन दोनों का एक बॉन्ड बन जाता है। अगर ये बॉन्ड बहुत अधिक मात्रा में बन जाता है आपके बालों में तो आपके बाल उला जुला मतलब अलग अलग तरह की गतिविधियों में वो इंक्रीज होते हैं, जिसके कारण जिसके परिणाम स्वरूप आपको घुंघरालू बाल देखने को मिलते हैं। इसलिए अगर आपके जो केराटिन नाम का प्रोटीन है और सल्फर नाम का प्रोटीन है, इनका बॉन्ड अगर जितना कम बनेगा उतने ही आपके बाल लंबे और सीधे मात्रा में इंक्रीज होंगे। अब ये तो दोस्तों आप सेकेंड आता है जेनेटिक। अगर आपके माता पिता के बाल या के दोनों में से किसी एक के भी बाल अगर घुंघरालू हैं तो जेन्युइन सी बात है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके 100% उसी तरह के बाल होंगे, नहीं दोस्तों। लेकिन जहाँ तक सर्वे के दौरान ये पता भी किया गया कि माता के जो माता हो चाहे पिता, उनके बाल अगर घुंघरालू है तो जो बच्चे होंगे उनकी जो संतान होगी उनके भी बाल घुंघरालू देखने को मिलेंगे। लेकिन इससे कई हद तक और 100% से ठीक भी किया जा सकता है। कई तरह के ब्यूटी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके भी अगर आपको जेन्युइन रिजल्ट पाना है तो आप होम रेमेडीज का इस्तेमाल करके अपने कर्ली हेयरों से छुटकारा पा सकते हो। वो कैसे पा सकते हो अब मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। चलिए दोस्तों, अब ये तो बात रही कि आपके घुंघरालू बाल किन कारणों की वजह से हो जाते हैं, लेकिन अब ये भी तो जान लीजिए कि आप घुंघरालू बालों से किस तरह से मुक्ति पा सकते हो, आपको ऐसी घर पे कौन सी रेमेडीज का इस्तेमाल करना चाहिए। चलिए फॉर्मूला नंबर टिप नंबर 1 पे चलते हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप है, आपको बहुत ज्यादा ध्यान से समझना होगा और अपने यूज लेके आप अपने कर्ली हेयरों से छुटकारा पा सकते हो। फर्स्ट टिप है, आपको दोस्तों क्या करना होगा, अंडे मतलब 2 अंडा लेना होगा और जैतून का तेल तिहाई हिस्से में जैतून का तेल मिला के उसका पेस्ट बना के अपने माथे पे उसे मसाज करना होगा लगभग 10 मिनट के आसपास। मसाज करने के बाद उसे आप 30 मतलब आधा घंटे के लिए आप छोड़ दीजिए और उसके बाद में ठंडे पानी से आप उसे धो लीजिए अपने बालों को। इससे क्या होगा, इससे आपके बाल चमकदार लंबे और सीधे होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब दोस्तों आता है दूध और शहद। दूध और शहद अगर आप मिश्रण करके उसका इस्तेमाल करते हो तो आपके बाल बहुत ज़्यादा कर्ली हेयर से छुटकारा पाके, क्योंकि इनमें प्रोटीन होता है। जैसा कि आपको पता है दूध में प्रोटीन होता है, शहद में भी प्रोटीन होता है। दूध क्या प्रोटीन से केराटिन और सल्फर का बॉन्ड कमज़ोर करता है, जिसके कारण आपके बाल कर्ली हेयर से हट के एक लंबे और एक चमकदार बाल देखने को मिलता है। अब दोस्तों ये तो रही, अब मैं तीसरा फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको। एक जग में ठंडा पानी लेना और उसमें छिड़का तो जानते हो, जो अपने घर में अचार में अपने जो माता पिता हैं वो यूज़ करते हैं, 3 से 4 बूंदें छिड़के के डाल लीजिए एक जग पानी के अंदर और उसे आप अपने माथे को डुबा के उसे अच्छी तरह से वॉश कीजिए। ये हफ्ते में मात्र आपको 1 से 2 बार करना, अगर आपके कर्ली हेयर ज़्यादा है तो 2 बार इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कीजिए। अब दोस्तों मैं आपको छोटा टिप नंबर 4 बताने जा रहा हूँ। ये टिप बहुत ज़्यादा यूजफुल है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगी। अगर आपके बाल ज़्यादा ही घुंघरालू है ज़्यादा ही कर्ली हैं तो आपको टिप नंबर 4 का इस्तेमाल बहुत अच्छा बेनिफिट देने की संभावना हो जाती है। आपको क्या करना होगा दोस्तों,
आपको नारियल का तेल लेना होगा। नारियल का तेल में एक मतलब आधा कप एलोवेरा जेल लेना होगा। अगर आप किसी पतंजलि का एलोवेरा जेल लीजिए या तो ओरिजिनल हो तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपके लिए ही होगा। आपके बाल बहुत ज़्यादा, आप एक नारियल का तेल लेके आधा कप एलोवेरा का जेल लेके उसमें मिक्स कर लिए और उसमें प्रोटीन बहुत भरपूर मात्रा में होता है। और आप अपने हेयर में मसाज कीजिए हल्के हल्के हाथों से, जिससे आपके जो बाल हैं इनके बॉन्ड इतनी ज़्यादा कमज़ोर कर देती है सल्फर के और केराटिन के, जिसके अधिक मात्रा में कमज़ोर होने की वजह से आपके बाल जल्द ही सीधे देखने को मिलते। तो दोस्तों आपको पहली नंबर टिप जैसा कि मैंने आपको बताई और जो एलोवेरा जो चौथी टिप आपको बताइए, आप इन पहला और चौथा टिप को इस्तेमाल करके दीजिए। मेरा आपके से दावा दोस्तों 99% लोगों ने ये सक्सेस टिप बताई है, इसलिए आपको मैं YouTube पे ये वीडियो बना के दे रहा हूँ। तो दोस्तों आप इस टिप का इस्तेमाल कीजिए, गारंटेड है दोस्तों। चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, अपने जो घुंघरालू बालों से लेके परेशान हो चुके हो तो आपको इन सब टिपों का अच्छी तरह से इस्तेमाल करना होगा और आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो की जानकारी आपको कैसी लगी, वीडियो की जानकारी आपको थोड़ी सी भी बेनिफिट लगती है, थोड़ी सी भी दिलचस्प लगती है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और हमारी फैमिली का हिस्सा बनना ज़रूर। दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइए क्योंकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आती रहती है इसी तरह के चैनल के ऊपर। तो दोस्तों अगर आपको किसी भी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो अपने कमेंट बॉक्स में अपने अनुसार कमेंट में कर दीजिए और मैं आपको उसी टॉपिक की वीडियो बना के दूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तो धन्यवाद दोस्तों।